हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगी ये वाला मेकअप लुक जो मैंने किया हुआ है। तो चलिए जी, बिना समय गवाए आपको सिखाते हैं। हाँ जी, तो शुरू करते हैं मेकअप करना। मेकअप करने के लिए मुझे पहले मैंने वैसलीन का 15 मिनट पहले मैंने लोशन लगा लिया था। जब मैं नहा कर आई थी तभी मैंने लगा लिया था, उसके बाद मैं नहीं लगाऊंगी, ठीक है? क्योंकि मेकअप में थोड़ा सा गैप होना चाहिए। ओके, उसके बाद मैं लगाऊंगी एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल मैं भी आपको बताती हूँ, प्राइमर का काम करता है, ठीक है? प्राइमर आप अगर जैसे मतलब ज्यादा टाइम के लिए जा रहे हो शादी या फंक्शन में, पूरी रात रुकना है या पूरे दिन स्टे करना है, तो आप जब आप प्राइमर यूज कर सकते हो। कुछ घंटों के लिए जा रहे हो तो एलोवेरा जेल आराम से यूज कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं नहीं जाएगा आपका मेकअप, वहीं के वहीं टिका रहेगा, ठीक है? और ना ही इससे नुकसान पहुंचाएगा आपकी स्किन को, क्योंकि प्राइमर क्या होता है, हमारी स्किन के ओपन पोर्स होते हैं उन्हें लॉक कर देता है और मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, ठीक है? तो एलोवेरा जेल भी वही काम करता है, पर जब ज्यादा टाइम के लिए आपको मेकअप पे को रखना है ना अपने फेस पे, तो तब एलोवेरा जेल काम नहीं करेगा। तो एलोवेरा जेल हमें कुछ घंटों के लिए, जब हमें तैयार होना है तो हम एलोवेरा जेल लगाएंगे, ठीक है? ले लें और पूरे फेस पे एक लेयर लगा लेंगे अच्छे से, जहां जहां पे आप मेकअप करने वाले हो। नेक पे भी, और अगर आपकी आईज के ऊपर तो मेकअप करते ही करते हैं, ठीक है? उसके बिना तो काम नहीं चलता, तो आप थोड़ा सा और लेंगे, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि हमें अपनी आई लैशेज को भी बचाना है, आंखें बंद रखे और दूसरी वाली पे भी ऐसे करें। अब इसको ड्राई होने दे, तब अपनी आंखें खोलें, क्योंकि नहीं तो आंखों में जलन भी हो सकती है। किसी किसी को सूट नहीं करता है, जैसे मुझे कम सूट करता है, मेरी आंखों में से पानी बहने लगता है, तो मुझे आंखें बंद करनी होती है, ठीक है? ओके, तो अब मेरी ही ट्राई हो जाएगा, उसके बाद मैं इस पर मेकअप करना शुरू करूंगी। हाँ जी, तो अब हमें लेना है कोई भी फाउंडेशन, मैं ये वाला यूज कर, ओके, मैंने इतना लिया है, इसको लॉक कर दें और टैप करके इसे अपनी स्किन पे, इसको मैंने इस तरीके से लगा लिया है, ठीक है? अब मैं लूंगी इसमें थोड़ा सा गोल्डन वाला हाइलाइटर, ठीक है, जिससे मेरी बेस थोड़ी शाइनी हो, ठीक है? इतने मेरा फाउंडेशन भी बस इतना ही सही लेना है। थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो अच्छे से ब्लेंड होता है। तो अब हम इसे ब्लेंड करेंगे, पहले हाइलाइटर वाली जगह को ही ब्लेंड कर लेते हैं हम, ठीक है? नॉर्मल स्किन है ना, सेंसिटिव है ना ही ड्राई है ना ऑयली है, ठीक है? दोनों में तो मेरी आराम से हो गया ब्लेंड। पर अगर आपकी ऐसी स्किन है कि ब्लेंड नहीं हो पाएगा तो आपको तभी की तभी कर लेना है, और ज्यादा ऑयली स्किन है तो स्टे करने के लिए छोड़ दें, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। बाकी हमें अभी कुछ नहीं करना है, ठीक है? अब हम देखेंगे, हमने आंखों के ऊपर हल्का सा फाउंडेशन लगा लिया था, ठीक है? मैं पैलेट ले रही हूँ ये वाला। अब मैं इस पैलेट में से ये क्रीम कलर का शेड में ले रही हूँ, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा शेड मुझे नहीं छाड़ना है, क्योंकि ये मुझे चाहिए सारा का सारा, क्योंकि इसके बिना हमारे जो कलर है ना वो नहीं दिखेंगे। अगर हम आईज के ऊपर कोई भी कलर लगा रहे हैं तो वो नहीं दिखेगा अगर हमने इससे लॉक नहीं कराया फाउंडेशन को, क्योंकि फाउंडेशन थोड़ी देर बाद में चिपकने लगता है आंखों के ऊपर, यहाँ पे लाइनें बन जाती हैं तो क्रीज में, तो हमें इसे लॉक करना है जिससे ये स्टे रहे, यहीं पे लॉन्ग लास्टिंग रहे, स्टे करके रहे, चिपका रहे। ओके, तो अब ये हो चुका है, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है?
ये दोनों चीज हो चुकी है। अब मुझे दूसरी ब्रश की जरूरत है जो मेरी आंखों की आईलेट को तैयार करे। मैं ब्रश ओपन कर रही हूँ, इसमें से अपने अकॉर्डिंग जो ब्रश हमें चाहिए वो हम यूज करते हैं। आईलेट पिक के लिए हमें ये वाला ब्रश चाहिए, बारीक वाला। एक ड्रो करनी है हमें लाइन। मेरा सूट है ग्रीन, तो ग्रीन कलर यहाँ पे, अभी हम ग्रीन कलर नहीं यूज करेंगे। हमें सिर्फ वो कलर लेना है जिससे हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते। मैं ऑरेंज ले रही हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ आ रहा है ना, जहां आपकी पलकें ऐसे करके टकरा रही है, ठीक है, वहां पे आपको लकीर बना देनी है, निशान बना देना। देखिए अब यही हमें दूसरी साइड भी करना है। जो एक्स्ट्रा हो ये वाला हिस्सा, ये आ रही है मेरी आंखें यहाँ पे। ये एक तरीके से ड्राइंग है जो आपको करनी होती है। ठीक है, अब इस ड्राइंग को हम कंप्लीट करते हैं इस तरीके से। लाइटर शेड लगा दिया हमने, इसको ब्लेंड करेंगे एक लाइट वाले ब्रश से। बहुत ही हाई, बिल्कुल अपने ब्रश को ऐसे ऐसे चलाना है, ऐसे ऐसे करके बिल्कुल हल्का हल्का। ज़्यादा खींचातानी आंखों के साथ नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे ये दिखना चाहिए आपकी पलकों से, ठीक है, कोई मेकअप किया हुआ। ओके, दिख रहा है। अब इसके नीचे हमें फिर से ये ब्रश लेना है, बारीक वाला, थोड़ा सा वाइट कलर और स्ट्रॉन्ग है। इसके नीचे हम लगाएंगे, इसको हमें ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ ब्लेंड करना है थोड़ा सा इस आइस के लिए। ओके, तो हमारा जो ये वाला कलर है, अब हम इसको ब्लेंड करेंगे इससे बड़े वाले ब्रश से। जो भी है बाहर को निकालें, ठीक है, अंदरों करके बाहर को निकालें। ये दिख रही है शेड आ रही है, अभी इसको ऐसे ब्लेंड करना है, बाहर को निकाल दे रहे हैं। ब्लेंड करें, बाहर को निकालें, ब्लेंड करें, बाहर को निकालें, ठीक है, बाहर को निकालें, इधर से बाहर को निकालना है। दिख रहा है कलर्स अलग अलग दिखने चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें लेना है ये वाला ब्रश, ठीक है, ये वाला हर किसी के पास होता है। अब जो ग्रीन कलर है ना वो हमें यहाँ पे लेना है, इसके ऊपर हम ले लेंगे इसे यहाँ पे। अगर इससे नहीं हो रहा है, वैसे भी मुझसे भी नहीं हो पा रहा है इससे, तो हम ये वाला ब्रश लेंगे, ठीक है, इससे हम ग्रीन कलर लेंगे ये वाला। ये हो गया, ओके।
थोड़ा सा हम डार्क शेड लेंगे ग्रीन वाला, ठीक है, ये वाला हमें एक्स्ट्रा को पैक देना है, ये यहाँ से ऐसे। वो लाइट था, ये डार्क है, देख रहे हो? बिना लाइनर के लाइनर जैसे हो गई, ठीक है, दूर से देखने में लाइनर जैसा लग रहा है। ओके, तो अब जो हमें ब्रश चाहिए वो है हमारा ये वाला ब्रश, इस तरीके से ये वाला। इसको हमें ब्लैक शेड बिना लाइनर वाला मेकअप है, लाइनर मैं इसमें यूज नहीं करूंगी। बिना लाइनर के भी आप अच्छा मेकअप कर सकते हो, ठीक है, ये हमें लेना है, अंदर की तरफ खींच देना है। गर्मियों में जितना कम मेकअप हो उतना अच्छा लगता है। अगर हम लाइनर वाइनर लगाते हैं ना तो वो बहते हैं बुरी तरीके से, देखने में भी अच्छे नहीं लगते हैं। ये हमारा आई मेकअप कंप्लीट है, ज़्यादा मैं नहीं करूँगी, ठीक है, काफ़ी मैंने इसमें कर चुकी हूँ। थोड़ा सा ऑरेंज कलर यहाँ से कम था, ये साफ दिख रहा है, इसको हम फिंगर से ब्लेंड करेंगे। अब इसमें करेंगे हम थोड़ा सा शिमरी, ये वाला शिमरी लेना है हमें फिंगर पे, ठीक है, अब इन सबको हम फिंगर से ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंडिंग बहुत जरूरी है मेकअप में, अगर आप अच्छे से ब्लेंड नहीं कर पा रहे हो तो आपका मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, कभी भी अच्छा नहीं होगा। तो ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है अपने मेकअप को, मेकअप करने से पहले आप ब्लेंड करना सीखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब आप देख सकते हो आईज, ठीक है, तो अब हम इसको बंद करते हैं, इसका काम करते हैं, ठीक है। तो अब हमें लेना है ब्लश, ब्लश आप इस पैलेट में से ले सकते हो, ठीक है, ये वाला, और हम ब्लश का ब्रश लेते हैं। मैंने फाउंडेशन लगाया और अब हम ब्लश लगा रहे हैं। जब हम ब्लश लगा लेते हैं ना, और देखो मेरा शाइन यहाँ पर आ रही है, नोज पे आ रही है, जो मैंने हाइलाइटर पहले यूज कर लिया था, क्योंकि जब क्या हम ब्लश करते हैं और फिर फाउंडेशन यहाँ पे हाइलाइटर लगाते हैं, वो सब अलग अलग दिखता है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने पहले ही हाइलाइटर यूज कर लिया फाउंडेशन के साथ, तो मेरी जो फाउंडेशन थी वो पहले से ही शाइन कर रही है, मुझे ज्यादा कुछ करने की इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। अपनी नोज को हमेशा पिंकी पिंकी रखें, ओके ओके। तो अब हमारी ये चीजें हो चुकी हैं, ठीक है। कॉन्टोर करने की बात आती है, अगर आपका फेस मेरी तरह चबी है तो आप कॉन्टोर कर सकते हो कोई भी डार्क कलर लेके, ठीक है, जरूरी नहीं है ब्राउन कलर ले रहे हो, कॉन्टोर कर लें, ठीक है। हालांकि मेरी काफ़ी डबल चिन ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि वेट बढ़ने के बाद डबल चिन आ ही जाती है,
कि मैंने एक्सरसाइज की है वो मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी आप मेकअप से भी इसे छुपा सकते हो। ठीक है, कॉन्टोर फेस में अंदर देखें, दिख रहा है ना? ये जादुई तरीके से हमने फेस को पतला करना होता है, ये मेकअप का कमाल होता है। देखिए हो गया ना, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ना, बस ब्रश यूज करना आना चाहिए आपको, आप आराम से अपने फेस को पतला कर सकते हो। ठीक है, अभी हाँ जी, तो एक चीज रह गई थी मेरी, थोड़ा सा मैं मस्कारा लगा देती हूँ। जिन लड़कियों को मस्कारा लगाने में दिक्कत होती है, नहीं आता है, उनके लिए मैंने वीडियो बनाई है अभी कुछ दिन पहले पोस्ट की थी, वो आप देख सकते हो। ठीक है, जो लड़कियां बाद में इस वीडियो को देखेंगी महीने दो महीने बाद, वो जाके मेरे चैनल पे वीडियो को सर्च कर सकती हैं, मस्कारा लगाने की ट्रिक आपको आराम से मिल जाएगी। ठीक है, अंतर देख सकते हो आप आंखों पे मस्कारा लगाने के बाद रिजल्ट, और बहुत जल्दी सूख जाता है। ठीक है, देख सकते हो। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे लिपस्टिक यूज करनी है। लिपस्टिक मैं कौन सी लगा रही हूँ, मैं लगा रही हूँ लैक्मे 95 की। ठीक है, नीचे लगाएं, ऊपर पेस्ट कर लें। ठीक है, और मैं एक बहुत प्यारी सी आपको एक ट्रिक बताऊंगी अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, कि लिपस्टिक अगर आपकी, क्या करते हैं आप, चाय वाय पीते हैं, कहीं जाते हैं, आपके लिपस्टिक जो है ना वो छूट जाती है। ठीक है, तो वो छूटे ना, उसके लिए मैं आपको एक वीडियो बना आपको वीडियो बना के दूंगी, उसे आप देखेगा और वैसे ही लिपस्टिक लगाना आप सीखेगा। नेक्स्ट वीडियो मैं बताऊंगी, मैं अभी तो मैं पहले यहाँ पे तैयार हो जाऊँ। ठीक है, तो आप अभी देख सकते हो कि मैंने लिपस्टिक पूरा मेकअप कंप्लीट कर लिया, और उसके बाद मेरी अब पहली वाली शक्ल में और अब की वाली शक्ल में आप अंतर देख सकते हो। ठीक है, हेयर स्टाइल की मैंने बहुत वीडियो बनाई हुई है, जो आपका मन करे ना वो आप बना सकते हो। ठीक है, आगे भी मैं बनाती रहूंगी कि आपको इस तरीके से करना है, बालों को इस तरीके से करना है, पर जो भी मैंने करी हुई है ना बहुत अच्छी है, उन्हें आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और अब मैं इयररिंग पहन के आती हूँ। ठीक है, हाँ जी, तो मैं इयररिंग ले आई हूँ अपनी, अपनी से डालते हैं अपने कानों में। देख सकते हो, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ मैं कुछ नहीं कर, मैं हेयर स्टाइल और कुछ नहीं बनाऊंगी, मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, बस सिंपल सी ये मेरी बाल है, यहाँ पे इन्हें पिनअप करूंगी किसी भी चिमटी से, आप इस तरह की चिमटियाँ आती हैं मार्केट में, उन्हें यूज कर सकते हो। आपके बाल यहाँ पे पीछे की तरफ, सिंपल से यहाँ पर ही रहेंगे, कानों के पास नहीं आएंगे, और ऐसे ही एक बार यहाँ पे कर लें, बस जो ये वाले हेयर है ना इन्हें निकाल दें। ठीक है, और यहाँ पे आप पिनअप कर सकते हो। क्योंकि गर्मियों में, सर्दियों में कभी भी हो ना, तो बालों की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कि बाल कभी इधर आ रहे हैं कभी उधर आ रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे करके
बालों को रोक सकते हैं, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे और कुछ बात पीछे छोड़ दें के साथ। इसे आप स्ट्रेट कर सकते हो, लट को कर्ल कर सकते हो, ठीक है। ये वाले बाल आपके ऐसे ही रहेंगे, इन्हें कॉम कर लें अच्छे से, स्ट्रेट कर लें, स्ट्रेट ही बाल क्योंकि स्ट्रेट ही अच्छे लगेंगे अगर आप इस तरीके से सिंपल सा मेकअप कर रहे हो, गले में कुछ नहीं पहन रहे हो तो आप यही मेकअप बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। बनारसी दुपट्टे पे हमेशा सिंपल लुक ही अच्छे लगते हैं। जब हम जब हैवी सूट पहनते हैं और हैवी ज्वेलरी भी कैरी करते हैं तो बहुत ज्यादा मैसी सा हो जाता है, कुछ खिलके नहीं दिखता है। तो अब आप खुद देख सकते हो कि सब चीज अच्छे से दिख रही है, ठीक है, मेकअप भी दिख रहा है, इयररिंग दिख रहे हैं, सूट भी दिख रहा है, ठीक। अगर ज्वेलरी की बात की जाए, अगर मैं गले में भी कुछ हैवी सा पहन लेती तो मेरा सूट नहीं दिखेगा, ना तो मेरे बाल दिखेंगे, सब मैसी हो जाएगा। तो हर चीज को अच्छे से दिखाने के लिए अच्छा सा मेकअप करें और प्यारे सी लुक क्रिएट करें, ठीक है। गले में आप प्यारी सी कोई चैन भी पहन सकते हो, ठीक है, उसमें भी आप बहुत प्यारे लगोगे, गले में बिल्कुल भी सोना नहीं रहेगा आपका, ओके। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं भूल गई थी वो मैं आपको बताती हूँ, इस मेकअप में मैं छोटी सी बिंदी लगाऊंगी, ठीक है। मुझे हमेशा डार्क कलर की बिंदियां ज्यादा पसंद है लाइट शेड से, मैं सूट के मैचिंग बिंदी लगाना ज्यादा पसंद नहीं करती, जो दिखे फेस पे वो लगाते हो, ठीक है। अब आप देख सकते हो, ठीक है, बिंदी लगाने के बाद मेकअप अलग से ही दिख रहा है, ठीक है। ये बाल आप एक साइड में भी कर सकते हो, सो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में मुझे याद रखिएगा। बाय, टेक केयर।